27 साल बाद यूपी की सत्ता में फिर से काबिज होने के इरादे से कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मिशन 2017 के लिए जुट गई है। खोई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने के लिए देवरिया के पलचड़ी गांव में किसानों के लिए हजारों खाट बिछाई गई हैं। राहुल गांधी किसानों के साथ खाट पर सीधे बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। देवरिया से ही राहुल गांधी की यूपी में किसान यात्रा शुरू हो रही है। राहुल पदयात्रा करेंगे, एक महीने में 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय करेंगे। कि हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में कांग्रेस के जाएंगे, वो गांव में जितने भी किसान कर्जदार हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृषि ऋण है उनसे बात करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, ब्लॉक का नाम लिखेंगे, कर्ज राशि लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे और एक हम इसमें से एक नीचे की स्लिप उन्हें देंगे कि हम आपसे ये वादा करके जा रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही हमने जो आपसे ये वादा किया है ऋण माफी का, वो हम माफ करेंगे। यूपी में किसानों की सबसे बड़ी आबादी है, कांग्रेस किसानों का दिल जीतना चाहती है। किसानों के साथ खाट पंचायत लगाने के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर किसानों से मिलेंगे। कैंपेन के लिए खास तौर पर 250 मांग रथ तैयार किए गए हैं। कांग्रेस की इन गाड़ियों में किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ और समर्थन मूल्य का हिसाब मांगने से जुड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों को मांग पत्र भी सौंपेंगे, किसानों से दस्तखत करवाएंगे, सत्ता में आने पर कर्ज माफ करने का राहुल गांधी का वादा लोगों को बताएंगे। किसानों की तीन मुख्य समस्याएं हैं, तीनों को राहुल गांधी पूरी तरह से उजागर करेंगे। पहले तो यूपीए सरकार ने कर्ज माफ कर दिया था, अब हम किसानों से यही वायदा करेंगे कि अगर आप हमारा समर्थन करते हैं तो हम आपका कर्ज माफ करेंगे, नंबर वन। नंबर दो, जो बिजली का बिल है वो बिजली बिल हाफ करने का ऐलान करेंगे, और तीसरा MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को मिलना चाहिए वो देने का वायदा करेंगे। कांग्रेस के करीब 2.5 लाख कार्यकर्ताओं के जरिए यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा किसानों से कर्ज माफी वाले मांग पत्र जमा करवाने की कवायद है। किसान यात्रा में राहुल गांधी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के पीड़ित मरीजों से भी मिलेंगे। देवरिया से दिल्ली की इस यात्रा से पहले भी राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ साल 2010 में भट्टा परसौल और दादरी में पदयात्रा कर चुके हैं। लखनऊ से अमिता पारुल के साथ देवरिया से त्रिपुरेश त्रिपाठी, इंडिया 24/7। 2012 में लैपटॉप का वादा कर यूपी की सत्ता हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर यूपी की जनता को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला है। अखिलेश सरकार ने समाजवादी स्मार्टफोन योजना को लॉन्च किया है। हालांकि स्मार्टफोन वितरण का काम 2017 की दूसरी छमाही के बाद होगा। उधर सीएम अखिलेश ने गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन कर अल्पसंख्यकों को भी एक बड़ा तोहफा दिया। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सूबे के युवाओं को लुभाने के लिए सबसे स्मार्ट चाल चली है। अखिलेश सरकार ने लैपटॉप के बाद अब युवाओं को स्मार्टफोन का लॉलीपॉप थमा दिया है। यूपी सरकार ने जल्द समाजवादी स्मार्टफोन योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। समाजवादी स्मार्टफोन के लिए वही लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे जो यूपी के निवासी हों। आवेदक की न्यूनतम आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। सरकारी नौकरी करने वाले समाजवादी स्मार्टफोन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। निजी क्षेत्र में काम करने वाले वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। खास बात यह है कि स्मार्टफोन का वितरण 2017 की दूसरी छमाही में होगा, यानी अगर अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तो स्मार्टफोन मिलेगा, और अगर सरकार बदली तो फिर स्मार्टफोन बांटने का फैसला भी नई सरकार ही करेगी। युवाओं के साथ साथ सीएम अखिलेश यादव अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सोमवार को सीएम अखिलेश ने गाजियाबाद में आला अल हजरत हाउस का उद्घाटन किया। करीब 40 करोड़ की लागत से तैयार हुए आला हजरत हाउस में एक साथ करीब 2000 हाजी एक साथ ठहर सकते हैं। साल 2005 में मुलायम सिंह यादव ने आला हजरत हाउस की नींव रखी थी। ये जो काम हो रहा है
कि जहां जहां बन रहा है यहां पर ही एक तरफ मेट्रो एक तरफ एलिवेटेड हाईवे। मैं ये कह सकता हूं ये तमाम लोग जो विकास की बातें कर रहे हैं अगर तुलना करेंगे अगर जानकारी पाएंगे तो मैं समझता हूं चाहे वो एलिवेटेड रोड हो चाहे वो मेट्रो हो और इतनी बड़ी संख्या में मेट्रो किसी प्रदेश में नहीं बनने होंगी जितना समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में बनाने का काम। बहरहाल साफ है कि सीएम अखिलेश यादव विधानसभा के रण में उतरने से पहले हर वो दांव आजमाना चाहते हैं जिससे वोटरों को अपने पाले में लाया जा सके। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या वोट के लिए स्मार्टफोन जैसा लालच देना सही है। गाजियाबाद से अनुराग चड्ढा के साथ, लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी, इंडिया 24/7। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट अब 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता अजमल खान ने चुनाव जीतने के बाद अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने पर राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करना जनता के साथ धोखा है। एसपी नेता आशु मलिक ने अचानक यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशु मलिक ने आजम खान पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हालांकि आशु मलिक के अचानक आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोलने के पीछे की सच्चाई कुछ और बताई जा रही है। पिछले दिनों आशु मलिक के भाई को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया। आमतौर पर होता यह है कि अगर सरकार बदलती है तो जिला पंचायत अध्यक्षों को भी बदल दिया जाता है। आशु मलिक को लगता है कि 2017 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होगी। ऐसे में आशु अपने भाई की कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उनके पास बीएसपी में जाने का मौका रहे, राह आसान रहे और अंदर खाने बीएसपी के नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं।